अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे अंडों का खोरमा। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 6 अंडे लिए हैं। इसे अच्छे से बॉईल करके ऐसे कट लगा कर रखा है। ये 250 ग्राम्स मैंने दही लिया है, अच्छे से फेंट के रखा है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने इसे थोड़ा फ्राई कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून मैंने खोबरा, 2 टेबल स्पून फली और 2 टेबल स्पून खशखश, इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया है। ये 1 टी स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नमक चेक करके डालूँगी। ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1/2 टीस्पून मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, ये 1/2 ग्लास तेल है, ये 1/2 बंच कोथमीर है, ये 1/2 बंच पुदीना है, ये 2 से 3 हरी मिर्ची है, मैंने इसे बीच से ऐसे कट कर लिया है। अब ये हम इस सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। हम अंडों को थोड़ा गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। हम अंडों को थोड़ा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी, पेस्ट डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी, नमक ऐड करेंगे, इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें दही ऐड करेंगे, मसालों को अच्छे से भुनेंगे हम 5 मिनट्स के लिए, कवर करके पकाएंगे हम इसे। देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है। इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी कोथमीर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा पुदीना, आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करूंगी मैं गरम मसाला पाउडर। अब इसमें ऐड करूंगी मैं अंडे। और थोड़ी सी कोथमीर, पुदीना। अब 5 मिनट्स के लिए हम इसे रखेंगे दम पे। देखिए अंडों का खोरमा रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, अंडों का खोरमा रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।